केंद्र सरकार ने कोटा बूंदी सीट से सांसद ओम बिरला को लोकसभा स्पीकर बनाने का निर्णय लिया है। लोकसभा स्पीकर की घोषणा होने के बाद सांसद बिरला के कोटा आवास पर जश्न का माहौल हो गया। सांसद के आवास के बाहर कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी कर खुशियां बांटी। वहीं हाड़ौती की जनता ने सांसद बिरला के लोकसभा स्पीकर बनने पर केंद्र सरकार का आभार जताया। सांसद बिरला के आवास के बाहर भाजपा के नेताओं से खास बातचीत की हमारे संवाददाता राजेंद्र भारद्वाज ने। लोकसभा स्पीकर बनने की खुशी जो है आप साफ तौर पर कोटा में देख सकते हैं। हमारे साथ हैं सांसद ओम बिरला के भाई, उनसे सीधी बात करेंगे सर। किस तरह का खुशी का माहौल है? ऐसी खुशी है सबको मैं वर्णन नहीं किया जा सकता। पार्टी ने जो पद दिया है ये पूरे कोटा, हाड़ौती, राजस्थान और पूरे देश के लिए सम्मान का पद है। विशेष रूप से कोटा के संसदीय क्षेत्र के कार्यकर्ताओं का बहुत ही सम्मान किया। उन्होंने मान सम्मान दिया हमारी पार्टी कार्यकर्ताओं को, जो गोराई और कोटा की हाड़ौती की जनता को जो मान सम्मान दिया है उसके लिए तो हम पूरी पार्टी का और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी।